वैसे देखा जाए तो आज यहाँ बौद्धिक पद के रूप में कुछ बोलना अति सरल काम है, अति कठिन काम है। सरल भी है, कठिन भी है। सरल इसलिए है कि संघ के कार्य के विविध पहलुओं के बारे में सारी जानकारी आपको है, कोई ऐसा पहलू नहीं आप जानते नहीं, इसलिए बोलना सरल है। और कठिन इसलिए है कि सब जानकारी होते हुए भी बाह्य परिस्थिति के कारण, घटनाओं के कारण मन में तरह तरह की विचलितताएं निर्माण होती है, उनको ध्यान में रखकर बोलना इसके कारण कठिनाई है। वैसे देखा जाए तो संघ में नया तो कुछ बोला नहीं जाता, 1925 से हम वही बातें सुनते आए हैं। हम जानते हैं कि संघ और संघ कार्य की वृद्धि यानी क्या है, तो परम पूजनीय डॉक्टर जी उन्होंने समकालीन सभी कार्यों में प्रत्यक्ष हिस्सा लेकर अनुभव लिया, देशी विदेशी विचारधाराओं का सम्यक परिचय कर लिया और लगातार सालों तक गहन चिंतन किया। इसके फलस्वरूप जो एक विजन उनका विकसित हुआ उसका ही उत्तरोत्तर अधिकाधिक होने वाला प्रस्फुटीकरण, प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट ऑफ डॉक्टर जी विजन यानी अपना संघ कार्य है, यह हम लोग जानते हैं। तो इसलिए एक प्रश्न आता है कि बार बार जो बात हमने एक बार कही है फिर से बोलने की आवश्यकता क्या है। समर्थ रामदास ने इस विषय में ऐसा कहा है, कर्म केलेच करावे, ध्यान धरिलेच धरावे, विवरिलेच विवरावे, पुनः निरूपण तैसे च अम्मा गड़ले, बोलिलेच बोलने पड़ले, काजे विवरिलेच विरले समाधानम। उन्होंने कहा कि एक बार कर्म किया वो बार बार करना पड़ता है, एक बार ध्यान किया बार बार ध्यान करना पड़ता है, एक बार बोला वही बात बार बार बोलने पड़ती है। क्यों बोलनी पड़ती है? तो क्योंकि एक बार जो समाधान हुआ था, अब समय बीत गया, बीच में परिस्थितियां तरह तरह की आई, तो जो समाधान हो गया था वह बीच में बिगड़ जाता है। समाधान बिगड़ जाता है इसलिए वही बात बार बार बोलनी पड़ती है। तो ऐसा ही कुछ है, इसके कारण बार बार बौद्धिक वर्ग लेना पड़ता है। वही बोला जाता है जो 1925 से हम सुनते आए, नई बात कुछ नहीं। अब बाह्य परिस्थिति का परिणाम स्वयंसेवक के मन पर भी होता है, वो बंद बक्से में रखा तो नहीं है, समाज में जो वायुमंडल है उसका परिणाम होता है। मुझे उसका पहला अनुभव 1957 में एक घटना से आया। मैं मजदूर संघ के काम के लिए उस समय का पंजाब, आज जिसको हरियाणा बोलते हैं, वहां के एक शाखा में गया था। जिस समय शाखा में गया तो मुख्य शिक्षक ने कहा, ठंडे जाप आ गए, अच्छा हुआ, मैं लोगों को बिठाता हूँ। मैंने कहा काय के लिए? उन्होंने आपको बौद्धिक वर्ग हो जाए। हमने कहा नियम है क्या कि जहां जहां मैं जाऊंगा बौद्धिक होना ही चाहिए? तो बोले आप फिर क्या करेंगे? हमने कहा हम किसी गण के साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे। तो एक गण के साथ मैं बातचीत कर रहा था, किशोर स्वयंसेवकों का गण था, 32 स्वयंसेवक उसमें थे। अब उन्होंने प्रश्न पूछने की बजाय हमने प्रश्न पूछना शुरू किया। मामूली पहला प्रश्न किया कि भाई अपने संघ की स्थापना कहाँ हुई? ठीक होता है, मन ने कहा था कि जिसको याद है उत्तर वो ऐसा हाथ ऊपर करे, फिर उसमें से जिसको मैं पूछूंगा वो जवाब देगा, लेकिन जिसको उत्तर मालूम है उसने हाथ ऊपर करना चाहिए।
तो संघ की स्थापना कहाँ हुई, कई हाथ ऊपर हुए, ठीक उत्तर आया। कौन से वर्ष में हुई, ठीक उत्तर आया। संघ का ध्वज कौन सा है, कई लोगों ने हाथ ऊपर किए, ठीक उत्तर आया। फिर पूछा कि संघ के संस्थापक कौन थे, तो कई हाथ ऊपर है। तो एक को मैंने पूछा तो उन्होंने कहा डॉक्टर केशव बलिराम हरगेवार। अब एक ध्यान में रखिए कि 1957 की बात है, चुनाव उसी के पहले हुआ था, और उस समय चुनाव में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान यह विषय बहुत कुछ उछाला गया था, मतलब हम लोगों ने बहुत उसको अपने मित्रों ने उठाया था। तो पहले ने कहा डॉक्टर केशव बलिराम हरगेवार, दूसरा ऐसा ऐसा करने लगा, आने का भी क्या है, बोले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तीसरे को पूछा डॉक्टर हेड़गे, पूछा डॉक्टर मुखर्जी। तो मैंने ऐसे मजाक में कहा, हमने कहा भी बड़ा मुश्किल है, अब तक जितने प्रश्न आए थे सबका एक ही उत्तर आया था, अब दो उत्तर आ गए, तो इसमें से सही कौन सा है, गलत कौन सा है, कैसे समझना। फिर भी एक लड़के ने ऐसा ऐसा हालत किया, मैंने कहा क्या है, खड़ा हो गया, मेरे इसमें कठिनाई क्या है, वोट ले लो। हमने जरा मजाक में कहा क्या वोटिंग लेंगे, बोले हाँ। अब 32 संख्या थी, उसमें से 8 लोग बुद्धिमान थे, उन्होंने वो तटस्थ रहे, और डॉक्टर हेड़गेवार के पक्ष में 8 वोट आए, डॉक्टर मुखर्जी के पक्ष में 16 वोट आए। तो फिर भी मैंने मजाक में कहा, हमने कहा भी मुश्किल है भाई, यहां भी एकमत नहीं हुआ। फिर वो लड़का ऐसा ऐसा करने लगा, हमने कहा वो क्या है, खड़ा है, ये फैसला तो हो गया डॉक्टर मुखर्जी, उनको 16 वोट मिल गए। अब ये जो बाहर के वायुमंडल का परिणाम अपने लोगों पर भी होता है, इसका एक अच्छा उदाहरण उस समय हमने देखा। तो हम जानते सब है, जानते नहीं ऐसा नहीं है, किंतु हम बंदे बक्से में तो नहीं, जो वायुमंडल में होगा उसका थोड़ा थोड़ा असर हमारे ऊपर भी होता है। वैसे हम जानते हैं कि हमारा ध्येय क्या है, हिंदू राष्ट्र का परम वैभव उधर ले जाने वाला मार्ग कौन सा है, विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम, उसका आधार क्या है, तो विजयत्री चना समता कार्य शक्ति है। और फिर संघ ने कहा कि हम यही काम हाथ में लेंगे, क्योंकि सबसे आधारभूत कार्य है। और फिर श्रम विभाजन हुआ कि संगठन करना, इतना ही संघ का काम रहेगा, संगठन के लिए संगठन, ऑर्गेनाइजेशन इज द बिगिनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ओवर एंड, और राष्ट्र के पुनर्निर्मिति के लिए जितने ही सारे काम करने हैं वो सारे काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरणा और संस्कार प्राप्त किए हुए स्वयंसेवक अपनी रुचि प्रकृति प्रवृत्ति के अनुकूल विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे, वहां ठीक कार्यों का निर्माण करेंगे। इस तरह से मानो एक श्रम विभाजन के स्वयंसेवकों ने, संघ ने स्वयंसेवकों का निर्माण करना, स्वयंसेवकों ने राष्ट्र कार्यों का निर्माण करना, पहले से यह सारा सोचा गया था। ध्येय जो है वह निश्चित यशस्वी होने वाला है, यह भी हम जानते हैं। हमने कहा त्वदीयाय कार्याय, माने ईश्वर का कार्य है। और फिर धर्म की स्थापना, तो अंतिम विजय इसी बात, यह हम जानते हैं। ये भी हम जानते हैं कि समकालीन लोकप्रियता यह कोई निकष नहीं हो सकता किसी सिद्धांत के अच्छाई का या विजय का, क्योंकि इतिहास में ऐसे इतने उदाहरण हैं कि कोई सिद्धांत आया, सत्य सिद्धांत अपने ही पैरों पर खड़ा होता है, कोई सिद्धांत आता है यदि वो सत्य है, समकालीन लोकप्रियता प्राप्त नहीं होती, लोग विरोध में काम करते हैं, तो भी अंतिम विजय उसी के होती है। कितने उदाहरण है,
सॉक्रेटिस का है, सब जानते हैं। लोग इसके इतने खिलाफ थे उसके सिद्धांत के कि उसको हेमलॉक नाम का जहर देकर मरवाया गया। हम जानते हैं कि कोपरनिकस है, गैलीलियो है, ऐसे सभी लोग। जब सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ सारा यूरोप उनके खिलाफ था। उस समय यदि वोटिंग लिया होता तो कोपरनिकस के पक्ष में केवल एक वोट आता, वो उसका, बाकी सारे यूरोप के लोग उसके खिलाफ वोट देते। लेकिन आज जो कोपरनिकस ने कहा वो सत्य सिद्धांत होने के कारण सारे लोग मानते हैं, उसको विरोध करने वाले लोगों का नाम भी लोग आज जानते नहीं। तो सिद्धांत अपने पैरों पर खड़ा होता है, उसको बैसाखी की आवश्यकता नहीं। और हमारा सत्य सिद्धांत होने के कारण यह निश्चित रूप से विजय होगा, यह पूर्ण श्रद्धा हम लोगों की है। फिर भी जैसा मैंने कहा कि बाहर के वायुमंडल के कारण कभी कभी मन में कुछ गड़बड़ निर्माण होती है, खासकर आज हम जिसको प्रचार ऐसा कहते हैं। प्रचार माध्यम बहुत है और संघ के विषय में, पक्ष में, विपक्ष में और ज्यादातर विपक्ष में जो धुआंधार प्रचार चलता है, इसके कारण कई लोगों का मन विचलित हो जाता है। अब ये नहीं सोचते कि भाई 75 साल से हमारा काम चल रहा, जो कार्य में वृद्धि हुई है, ये क्या टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस के आशीर्वाद के कारण हुई है, समाचार पत्रों के आशीर्वाद के कारण हुई है। हमारी अपनी एक कार्य पद्धति है और जिस कार्य पद्धति के विषय में अनुभव के आधार पर हम जानते हैं कि संपूर्ण हिंदू समाज को सुसंगठित अवस्था में लाने की दृष्टि से यह स्वयंपूर्ण कार्य पद्धति है। स्वयंपूर्ण का मतलब यदि हम इसको लेकर चलते हैं तो दूसरे किसी भी पूरक कार्य पद्धति की आवश्यकता नहीं। यदि हम मोहवश इसको छोड़ देते हैं तो दूसरी कोई भी वैकल्पिक, सब्स्टिट्यूट, ऑल्टरनेट कार्य पद्धति हो नहीं सकती। दोनों अर्थों में स्वयं पूर्ण कार्य पद्धति अपनी है। तो जो हमारा काम बढ़ा है वो इस कार्य पद्धति के आधार पर बढ़ा है। कोई ऐसे ज्यादा प्रसिद्धि वगैरह इसके चक्कर में नहीं थे। हाँ, यह बात ठीक है कि थोड़ा बहुत प्रचार प्रारंभ से भी प्रचार के तरफ थोड़ा बहुत तो ध्यान था, लेकिन यह नहीं सोचा गया कि प्रचार के आधार पर संघ बढ़ेगा। पहले भी जब विजयादशमी का उत्सव होता था तो परम पूजन डॉक्टर जी का भाषण यहाँ महाराष्ट्र करके एक पेपर निकलता था, तो उसमें बराबर तैयार करके और अपनी ओर से जाता था, वहां वो छपकर आता था, थोड़ा बहुत ध्यान था। प्रचार के बारे में हम लोगों का हमेशा ये ख्याल रहा है, जैसे हमारे औद्योगिक क्षेत्र में हम कहते हैं कि नीड्स बेस्ड मिनिमम वेज, आवश्यकताओं पर आधारित कम से कम तनख्वाह तो मिलनी ही चाहिए। वैसे नीड्स बेस्ड मिनिमम पब्लिसिटी, यही अपना पहले से विचार रहा है। किंतु प्रचार के आधार पर काम होगा ये हमने कभी सोचा नहीं। थोड़ा बहुत मुझे स्मरण होता है कि जिस समय पहले चुनाव के बाद, उस समय तमिलनाडु में भारतीय जनसंघ की स्थापना नहीं हुई थी, माननीय पंडित दीनदयाल जी ओटीसी के लिए, संघ शिक्षा वर्ग के लिए गए थे, तो रात के समय उनके साथ लोग बैठते थे। अब एक स्वयंसेवक खड़ा हुआ, उसने पूछा कि पंडित जी आप संघ के प्रचारक हैं? बोले हाँ। बोले जनसंघ में जो बाकी संगठन मंत्री है वो भी संघ के प्रचारक है? बोले हाँ। तो फिर ये पक्षपात क्यों है? वो भी संघ के प्रचारक है, संघ में जो काम करते वो भी संघ के प्रचारक है, तो जो संघ में है उनको प्रचारक कहा जाता है, जो भारतीय जनसंघ में है उनको संगठन मंत्री कहा जाता है, ऐसा भेद क्यों किया गया? तो पंडित जी ने हंसकर कहा, भाई देखो, तो काम ही संगठन करना है, इसलिए संघ के कार्यकर्ता हमेशा सारा ध्यान संगठन पर ही केंद्रित करते हैं। उनको थोड़ा रिमाइंड करने के लिए तुम्हें संगठन ही करना है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रचार के तरफ भी ध्यान होना चाहिए, तो उनको रिमाइंड करने के लिए वहां प्रचारक शब्द का उपयोग किया गया।
और पॉलिटिकल पार्टी में बोले कि वो धुआंधार प्रचार है, प्रचार चलता है, तो उनको रिमाइंड करने के लिए ठीक है प्रचार करो तुम्हारा काम है, लेकिन जरा संगठन की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, ये उनको रिमाइंड कराने के लिए वहां संगठन मंत्री शब्द का प्रयोग है। कहने का मतलब यह है कि दोनों का महत्व है, किंतु प्रचार के भरोसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का लाभ या नुकसान होगा यह पहले से नहीं सोचा गया। मिनिमम कम से कम जितना है उतना प्रचार हो, इतनी अपनी योजना रही है। मुझे स्मरण होता है कि 1937 में पूना में कुछ लोगों ने ऐसा तय किया था कि अपना ही एक साप्ताहिक निकाला जाए। उस समय महाराष्ट्र में संघ के विषय में बहुत कुछ चर्चाएं चलती थी, तो साप्ताहिक निकालना ऐसा सोचा। उन्होंने डॉक्टर जी को पत्र लिखा, डॉक्टर जी ने उत्तर में लिखा कि आप लोगों का उत्साह देखकर बड़ा आनंद हुआ, आप संघ को अच्छी तरह जानते हैं, आपके साप्ताहिक में संघ का वास्तव में जो विचार है वही बताया जाएगा, यह मुझे विश्वास है। केवल एक सूचना है कि उधर के महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बहुत आरोप लगाए जाते हैं, लांछन लगाए जाते हैं, तो उसका उत्तर आपने नहीं देना चाहिए, इतनी केवल मेरी सूचना है। माननीय काशीनाथ पंत लिमय जो बाद में प्रांत संघचालक बने, उन्होंने क्या किया था कि संघ के खिलाफ जो बोला गया उसके प्रेस के कटिंग्स डॉक्टर जी के पास भेजे। उसका जवाब देते हुए डॉक्टर जी ने कहा कि आपके सारे कटिंग्स हमने सब मिलकर पढ़े, हम लोगों का बड़ा मनोरंजन हुआ, कितनी गलत इंफॉर्मेशन अपने बारे में है, एक ही बात है कि इसके कारण आपने चिंता करने की आवश्यकता नहीं और इनका जवाब भी देने की आवश्यकता नहीं, सारा अपना ध्यान केवल शाखा पर ही केंद्रित कीजिए, शाखा का काम बढ़ना यही इन सब बातों का उत्तर है, ऐसा काशीनाथ पंत लिमय को और अपने डॉक्टर जी ने लिखा था। अकोला जिले में अकोला जिला संघचालक गोपालराव चितले करके थे, उनका एक पत्र डॉक्टर जी को आया, उसमें उन्होंने कहा कि हमने एक योजना बनाई है, हमारे पास अच्छे अच्छे और जवान लड़के हैं जो वक्ता के नाते तैयार हो सकते हैं, तो हमने सोचा कि 12-15 अच्छे लड़के चुनकर और उनको संघ के बारे में कैसे वक्तृत्व भाषण देना सिखाना और जिले में चारों ओर भेज देना। तो डॉक्टर जी ने कहा कि आप ऐसा मत कीजिए, इससे तो संघ काम बढ़ने वाला नहीं, उल्टा होगा कि प्रत्यक्ष फील्ड में काम न करते हुए ये वक्तृत्व के कारण जो चारों ओर घूमेंगे उनका अहंकार मात्र बढ़ेगा और बाद में वो काम के लिए भी निरुपयोगी हो जाएंगे, तो ऐसा मत कीजिए, उनको काम में लगाइए। तो हर समय यह सावधानी रखी गई कि प्रचार के विषय में सेंस ऑफ प्रोपोर्शन उसका कुछ ऐसा रखना पहले से यह सोचा गया है। अभी प्रचार के कारण जो विचलित होते हैं, मैं सोच रहा हूं क्यों विचलित होते हैं, अपने खिलाफ आरोप होते हैं, ठीक है, विचलित होने की आवश्यकता क्या है? आरोप लगाने वाले दो तरह के लोग हैं, कुछ प्रामाणिक है कुछ अप्रामाणिक है। एक समय था हमारे देश में जब बौद्धिक प्रामाणिकता थी, इसीलिए शंकर अपने प्रतिस्पर्धी के पत्नी को न्यायाधीश के नाते स्वीकार किया था। आज ऐसी अवस्था है क्या? प्रामाणिक बौद्धिक प्रामाणिकता रखने वाले कितने लोग हो गए? मुझे स्मरण होता है कि इमरजेंसी के समय मुझे काम दिया गया था कि अलग अलग राजनीतिक नेताओं के साथ संपर्क करना और उनको ये कहना कि भाई सारे गैर कम्युनिस्ट राजनीतिक दल मिलकर एक दल बनना चाहिए, ऐसा कांटेक्ट करने के लिए उधर एशन जोशी और इधर मैं हम दोनों को बताया गया था। तो चौधरी चरण सिंह जी के पास जाने का मुझे बताया,
हम पहली बार मिले। अब ये सब अंडरग्राउंड हमारी मीटिंग्स होती थी, तो चरण सिंह ने कहा भाई देखो वो दोहरी सदस्यता का प्रश्न तो आगे निकला, उन्होंने अक्टूबर 76 में ये प्रश्न निकाला। बोले देखो मैं दोहरी सदस्यता नहीं चलने दूंगा, एक पक्ष हो एक दल हो ये मैं मानता हूं। हमने कहा इसका मतलब क्या है? तो बोले जो जनसंघ के लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हैं, उन्होंने घोषणा करनी चाहिए कि हमने संघ छोड़ दिया। तो मैंने उनको कहा कि भाई संघ तो राजनीतिक दल नहीं है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा भाई देखो तुम्हारे संघ का क्या है, तुम लोग जो बताएंगे वही संघ है, वहां कोई नियम नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। मैंने कहा ऐसा नहीं चौधरी साहब, कॉन्स्टिट्यूशन है। बोले है कॉन्स्टिट्यूशन? हमने कहा है, और हमने कहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हम नॉन पॉलिटिकल रहेंगे। अच्छा भाई दिखाओगे कॉन्स्टिट्यूशन? हमने कहा जरूर दिखाएंगे। अगली बार जब हम मिले तो हम पहले बैठे थे मैं और उत्तमराव पाटिल, बाद में चौधरी साहब आए, हम उठकर खड़े हुए बैठे, और मैंने वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें उन्होंने लाल पेंसिल से नोट किया था जो नॉन पॉलिटिकल क्लॉजेस है वो, तो मैंने उनके सामने रहा, उन्होंने लिया। क्या है? बोला हमने कहा आपने बोला था कॉन्स्टिट्यूशन लाइन। अरे भाई बोले तुमने हमारी बात बड़ी गंभीरता से ली ऐसा दिखता है। हमने कहा चौधरी साहब आपकी बात गंभीरता से नहीं लेंगे तो किसकी लेंगे? देखो भाई बोले मैं, उन्होंने अपनी जाति का नाम लिया, बोले मैं इस जाति का हूं और हम लोग घुमा फिरा कर बात नहीं करते, सीधी बात करते। उन्होंने वो खोला नहीं, मैंने जो कॉन्स्टिट्यूशन के दिया था वो खोला नहीं, तो मैं सीधी बात करता हूं। ऐसा मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है, उसके लिए मैं और हमारे कुछ लोग पार्लियामेंट में जाना आवश्यक है। मेरा बेस ऑफ ऑपरेशन पश्चिम उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं और इस 8 जिले में 15% मुसलमान है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपके क्या लिखा क्या नहीं लिखा इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने आरएसएस को गाली तो देना ही है, फिर भी मैंने समझाने का प्रयास किया, वो माने नहीं। आखिर में उन्होंने जो कहा बड़ा इंटरेस्टिंग था, उन्होंने कहा कि आप महाराष्ट्रियन बड़े अहंकारी होते हैं, लेकिन एक याद रखना 1761 एक जाट सरदार ने एक महाराष्ट्रियन कमांडर इन चीफ को कुछ सुझाव दिया था। अब महाराष्ट्रियन जैसे अहंकारी होते हैं, उन्होंने माना नहीं, तो उसका नतीजा पानीपत हुआ। बोले मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, आप भी अहंकारी है, आप मेरा सुझाव नहीं मान रहे, ध्यान में रखना कि वही होगा जो 1761 में हुआ वगैरह। ये अब ये देखिए कि ये जो संघ के विषय में प्रामाणिकता के कारण विरोध है, ऐसा कुछ कहा जा सकता है क्या? वास्तव में हमारी दिक्कत तो यह है कि संघ का स्वयंसेवक सज्जन होने के कारण कभी कभी अति सज्जनता ये भी एक दोष हो जाता है। सावरकर जी उसको सद्गुण विकृति ऐसा कहते थे। तो किसी ने कोई आरोप लगाया लांछन लगाया तो वो स्वयं अपने को कटघरे में खड़ा कर देता है, एकदम पूछने के लिए आता है, अरे वो हमको ऐसा कह रहा था, क्या उसका जवाब देना? हमने कहा कि काहे के लिए जवाब देते हो? मैंने बोले वो कह रहा था, मुझे स्मरण होता है आप तो संघ के होने के कारण, आप हमारे भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्र में हम इतने सज्जन तो नहीं है। तो शुरू शुरू में भोपाल में जब काम शुरू हुआ तो गेट मीटिंग में भाषण देने के लिए एक आदमी को हमने तैयार किया, रामनाथ जी शर्मा उनका नाम था। फिर उनका मुझे पत्र आया कि मैंने भाषण देना शुरू किया, कैसा भाषण होता है, मेरा भाषण सुनने के लिए आप आई है, क्या उसमें सुधार चाहिए बताइए। मैं गया तो ऐसा था कि वहाँ गेट के सामने ही चाय की दुकान, वहाँ से बेंचेस वगैरह, मैंने ओपन दुकान, मैं भी एक बेंच पर जाकर बैठा। अब भाषण हुआ, उसके बाद वो आए, उन्होंने कहा कि ठिंगरे जी कैसा लगा? हम सारे 7-8 लोग बैठे थे, कमाल किया रामना जी।
आप 2 महीने के अंदर अंदर इतना अच्छा भाषण देना सीख गए, बहुत कमाल किया। तो इतना बोलने के बाद फिर चाय के साथ पकोड़े के भी ऑर्डर आ गए, तो ये सारा तैयार होने में थोड़ा समय लगा। अब बातचीत चलते चलते हमने एक उनको पूछा कि रामनाथ जी, आप बार बार कहते थे कि भारतीय मजदूर संघ मालिकों का पिट्ठू नहीं है, ये बार बार क्यों कहते थे? नहीं नहीं बोले, आपको पता नहीं है, शाकिर अली का, शाकिर अली वहां के नेता थे, शाकिर अली का पिछले 2 दिन भाषण हुआ और उन्होंने पर हमारे ऊपर यही लांछन लगाया कि ये कैपिटलिस्टों के पिट्ठू है। हमने कहा उन्होंने लगाया, ठीक है, अब आपने जवाब देने से लाभ क्या होगा? आपने बोला कल फिर से वो गेट मीटिंग में कह सकते हैं कि आप मालिकों के पिट्ठू हैं, तो आप क्या इसका जवाब देना यही आपका काम रहेगा? अच्छा, एक का आपने खंडन किया, वो और कोई लांछन लगाएंगे? उन्होंने लांछन लगा नहीं है। तो उन्हें क्या जवाब देना? नहीं, हमने कहा जवाब देना है, लेकिन वो भी कहते हैं कि तुम मालिकों के पिट्ठू है, तो उसका जवाब ये नहीं है कि मालिकों के पिट्ठू हम नहीं है। हमने कहा ये कोई शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट के साथ तुम विवाद कर रहे हैं क्या? ये तो कम्युनिस्ट है, इनकी नीति हम जानते हैं। तो फिर क्या जवाब देना? तो हमने कहा, मैं आपको नहीं बताऊंगा, उनको बताया। हमने कहा कि कल गेट मीटिंग में तुम बताओ कि तुम सब स्टालिन की रखेल हो, स्टालिन की रखेल। हमने कहा बोलो, अब हमने तो स्टालिन की रखेल इतने बोला था, रामनाथ जी को जैसे वो परमिशन मिल गई तो अपने नीचे के लेवल पर आकर और जितनी गालियां देनी थी वो सारी उन्होंने दे दी। अब ये 1:30 बजे की बात है, उस समय भोपाल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लोहा मंडी में संघ का कार्यालय था। रात के समय साकिर अली जी हाथ में लालटेन लेकर कहाँ है संघ कार्यालय खोजते खोजते वहां पहुंचे, फिर हमारी मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि आप यहाँ है, इसलिए मैं बोले, ठिंगड़ी भी ऐसा है कि आपके हमारे सैद्धांतिक मतभेद है। उन्होंने कहा बात ठीक है। तो बोले हमें सैद्धांतिक स्तर पर एक दूसरे का विरोध करना चाहिए, ये जो हिटिंग बिलो दी बेल्ट है ये अच्छा है क्या? नहीं नहीं, हमने कहा ये तो अच्छा नहीं। बोले आपके रामनाथ जी ने ऐसा ऐसा कहा। हमने कहा गलत किया, रामनाथ जी ने बोलना नहीं चाहिए था। दूसरे दिन से कैपिटलिस्टों के पिट्ठू है शब्द ही खत्म हो गया। तो कौन बोलने वाला है, कौन लांछन लगाता है, यह सारा देखकर और उसका विचार करना पड़ता है। किंतु हमारा आदमी पहले ही अपने को डॉक में खड़ा कर देता है और फिर पूछता है कि भाई इसका जवाब क्या है। ये आप समझ लीजिए कि इसके कारण संघ की कोई क्षति नहीं होती, कोई क्षति नहीं होती, और देश और विदेश के सभी समाचार पत्रों ने संघ को गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया कि संघ के जैसी संस्था न हुई न होने वाली है दुनिया में, तो भी संघ कार्य की पूर्ति होने वाली नहीं, संघ का ध्येय सिद्ध होने वाला नहीं, और सभी ने संघ को गाली दी तो भी संघ का नुकसान होने वाला नहीं। हमारी जो कार्य पद्धति है सुविचारित कार्य पद्धति है, स्वयं पूर्ण कार्य पद्धति है। उस कार्य पद्धति को लेकर जिसके बारे में गुरुजी ने कहा कि एंड हियर वी आर द एक्सपर्ट्स इन द साइंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उस कार्य पद्धति पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए और यदि हम काम करते हैं तो हमारा काम बढ़ता ही जाएगा, बाहर के प्रचार के कारण कुछ नुकसान होने वाला नहीं। लेकिन बाहर के वायुमंडल का असर होता है। संघ ने हमें कुछ वैल्यूज ऑफ लाइफ दी है, जीवन मूल्य हमें कुछ दिए। अब क्या होता है कि बाहर के जीवन मूल्य भिन्न है, इसके कारण हमारे ऊपर भी उसका कुछ असर होता है। मुझे स्मरण होता है कि 77 के बाद जब जनता पार्टी का राज आया था तो मैं चंडीगढ़ गया था। रात के समय 10-15 लोग ऐसे मिलने आए, तुमने ऐसे पूछा, हमने कहा भाई तुम्हारे यहाँ शाखाएं कितनी हैं? बोले 18 है। हमने पूछा नहीं आरएसएस की कितनी है, तो सब देखने लगे, बोले सब तो आरएसएस की है। तो एक ने कहा नहीं नहीं ठंडी जी, मैं आपके बात का मतलब समझ गया हूँ, ये सब आरएसएस की है, जनता पार्टी की नहीं। तो सबके ख्याल में आ गया। तो एक ने पूछा
वो कोई शाखा चल रही है, वो आरएसएस की है या जनता पार्टी की, आप कैसे समझेंगे? हमने कहा भाई छोटी सी बात है, जिक्र हो जाता है, जिक्र के बाद एक पंक्ति के लोग इकट्ठा एक ग्रुप में आ जाते हैं। उस समय भी हमने ये बात सुनी, अरे क्यों भाई आज रामू नहीं आया? रामू की माँ की तबीयत खराब थी, तुम गए थे क्या? कैसे रामू की माँ की तबीयत? ये चर्चा यदि सुनी तो मैं समझूंगा आरएसएस का है। और यदि हमने ये चर्चा सुनी, अरे कल क्या वो मुरारजी भाई का भाषण हुआ, बेटू की बातें बोल रहा था बुड्ढा, ये यदि सुना तो मैं कहूंगा कि ये जनता पार्टी की है। तो हमने कहा भाई ये वैल्यूज ऑफ लाइफ अलग अलग है। तो तीसरा उठा, उसने कहा वैल्यूज ऑफ लाइफ अगर जो आप बोल रहे भाई ये बड़ा कठिन शब्द है, ये हमारे पढ़ने नहीं पड़ता, कैसे समझना वैल्यूज ऑफ लाइफ किसकी क्या है, कुछ उदाहरण देंगे तो अच्छा होगा। तुमने कहा ऐसा है कि मानो एक आदमी 2-2.5 साल तक चीफ मिनिस्टर रहा है और 2.5 साल के बाद वहां के प्रांत प्रचारक को अपने ओपन कार में बिठाकर वो मार्केट प्लेस में से जा रहा है, तो बाहर के लोगों के वैल्यूज ऑफ लाइफ भिन्न है। वो सोचेंगे कि ये चीफ मिनिस्टर है और ये आरएसएस के प्रांत प्रचारक के साथ ओपनली एसोसिएट होने में हिचकिचाहट नहीं करता, तो इसके कारण प्रांत प्रचारक की इज्जत बढ़ गई, ऐसा बाहर का आदमी सोचेगा। किंतु यही विचार यदि स्वयंसेवक के मन में आया तो संघ तो खत्म हो जाएगा। स्वयंसेवक के मन में उसके वैल्यूज ऑफ लाइफ, आरएसएस के वैल्यूज ऑफ लाइफ के कारण स्वाभाविक रूप से यह विचार आना चाहिए कि यह आदमी 2.5 साल तक चीफ मिनिस्टर रहा, फिर भी हमारे माननीय प्रांत प्रचारक इसके साथ ओपनली एसोसिएट होने में हिचकिचाहट नहीं कर रहे। इट इज ए गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर की इज्जत इसके कारण बढ़ी है, प्रांत प्रचारक के कारण इसके कारण नहीं बढ़ी प्रांत प्रचारक की इज्जत। तो ये वैल्यूज ऑफ लाइफ, इसकी फिक्र करने की आवश्यकता है। तो हमारी कार्य पद्धति जो हमें रीति नीति पद्धति वायुमंडल जीवन मूल्य बताए गए उनको लेकर यदि हम चलते हैं, विचलित न होते हुए, बाहर के वायुमंडल से विचलित होने की आवश्यकता नहीं, तो निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब संघ को कौन नष्ट कर सकता है, ऐसा प्रश्न आया। नष्ट करने के लिए तो कई शक्तियां हैं, किंतु परम पूज्य डॉक्टर जी ने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत आरएसएस को नष्ट नहीं कर सकती, केवल संघ का स्वयंसेवक ही आरएसएस को नष्ट कर सकता है और बाहर की कोई ताकत हमें नष्ट नहीं कर सकती। बड़ा विचित्र लगता है, किंतु हम सोचेंगे तो स्वयंसेवकों का स्वयंसेवकत्व जब तक मजबूत है, दृढ़ है, पक्का है, तब तक कोई ताकत हमको खत्म नहीं कर सकती। स्वयं सेवकत्व में यदि कुछ गड़बड़ हो जाती है तभी फिर संशय निर्माण होता है। गड़बड़ कैसे हो सकती है? आज के परिस्थिति में कई कारणों से यह गड़बड़ हो सकती है। मुझे स्मरण है कि परिस्थिति के कारण एक विचार यह फैलाया गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जिंदा रहना है तो राजाश्रय की आवश्यकता है। अरे इतने साल से हम काम कर रहे हैं, सत्ता ने हमको दबाने का इतना प्रयास किया, हम आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन विचार चला कि राजाश्रय के बगैर कैसे चलेगा। तो इसमें मुझे स्मरण होता है कि हमारे आचार्य दादा धर्माधिकारी सर्वोदय के एक श्रेष्ठ नेता, उनके साथ हमारे संबंध थे। उन्होंने हमको कहा, उन्होंने कहा कि हमारा सर्वोदय या सर्व सेवा संघ, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता थे और है, अब उन्हें स्वराज्य प्राप्त हुआ। स्वराज्य प्राप्त हुआ तो गांधी जी के ही दो पंथ, एक राजनीतिक, एक गैर राजनीतिक। तो जो राजनीतिक थे वो कांग्रेस में गए, जो गैर राजनीतिक थे वो सर्व सेवा संघ सर्वोदय में आया। तो फिर राज्यकर्ताओं के मन में ऐसा है कि अपने साथी है,
इनको सहायता करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने सर्वोदय को फैसिलिटीज देना शुरू किया। बोले विनोबा जी ने भी ये सोचा कि हमने फैसिलिटीज मांगी तो नहीं थी, लेकिन यदि वो खुद होकर देते हैं तो उसमें आपत्ति क्या है। हम लोगों ने सोचा कि हमारे पास अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता है, पैसे और बाकी फैसिलिटीज न होने के कारण और काम में जरा देर होती है, ये फैसिलिटीज आ जाएगी तो काम और दिन दुना रात चौगुना ऐसा काम बढ़ता जाएगा। हमने फैसिलिटीज ले ली। फैसिलिटीज लेने के बाद काम बढ़ना तो अलग बात है, लेकिन जो अच्छे अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता थे उनके दिमाग में गड़बड़ आ गई, उनका चिंतन का प्रकार बदल गया। और फिर ये हुआ कि जैसे मानो 5 किलोमीटर दूरी पर एक सभा है और मोटर नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमारा कार्यकर्ता 5 किलोमीटर पैदल जाता था। आज ऐसी स्थिति आ गई है बोले फैसिलिटीज के कारण कि आदत बिगड़ गई, और आधा किलोमीटर दूर पर भी सभा है लेकिन मोटर नहीं है, तो वो कहता है भाई मैं नहीं जा सकता, मोटर नहीं है। मुझे स्मरण होता है कि मैं कुछ दिन अटक में जब था तो मैं संघ का प्रचारक हूं, यह जानते हुए भी ये दोनों का बच्चे के जैसा हमारे ऊपर प्रेम था, रविशंकर जी शुक्ला, द्वारका प्रसाद मिश्र, तो वो फ्रीली बात करते थे। तो द्वारका प्रसाद जी मिश्र ने कहा, बोले मैं था, बाकी भी लोग थे, बोले हमने जवाहरलाल जी को संघ के बारे में बहुत खरी खरी सुनाई, हमें कहा क्या है। तो मिश्र जी भी संघ का विरोध करने वाले ही थे, मेरे से उनका प्रेम था क्योंकि मैं उनके लिए उपयुक्त था, बाकी वैसे एज ए टूल साधन के रूप में। तो पहला बैन समाप्त होने के समय सभी होम मिनिस्टर्स को बुलाया था, मुझे भी बुलाया था, और जवाहरलाल जी ने हम लोगों को पूछा कि क्या बैन वैसे लैप्स होने देना या कंटिन्यू करना। पूछकर बोले उनको खरी खरी सुनाई। मैंने उनको कहा कि पंडित जी आप तो संघ को बलवान बनाना चाहते, तो बोले चिढ़ गए। मैंने कहा मैं संघ को बलवान बनाना चाहता हूं? बोले हाँ, आपने हजारों लोगों को जेल में डाला, ये सारे कुछ संघ के सिंपथाइजर नहीं थे, अब आपने जेल में डाला इसके कारण वो संघ के बारे में सिंपथाइजर हो गए, आपके खिलाफ हो गए, आपने संघ के हाथ मजबूत किए वगैरह वगैरह। अब वही उन्होंने बात रोकी। अब मेरे मन में आया कि इनको यदि संघ को समाप्त करने का रास्ता ये नहीं ऐसा लगता है, तो किसी भी संस्था को खत्म करने का रास्ता इनके मन में क्या है। तो 7-8 दिन के बाद मैंने फिर बात निकाली। हमने कहा मिश्र जी एक मेरे मन में प्रश्न है, आपने जवाहरलाल जी को ऐसा कहा, किंतु एक बताइए कि संस्था को फिर दबाने का कुचलने का क्या रास्ता हो सकता है। उन्होंने कहा कि बोले पागल लोग हैं, जिस संस्था को नष्ट करना है उसको दबाने के कुचलने के प्रयास करते हैं, ये गलत बात है। दो बातें वहां आ सकती है और वो आना बिल्कुल आसान है साइकोलॉजिकली मनोविज्ञान के दृष्टि से, कंफर्ट लविंग कैडर्स और स्टेटस कॉन्शियस लीडर्स। कंफर्ट लविंग कैडर्स कार्यकर्ताओं में आराम परस्ती निर्माण करना, और स्टेटस कॉन्शियस लीडर्स और लीडर्स में अपनी प्रतिष्ठा की भावना निर्माण करना। दो बातें यदि हो जाती है आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आप तमाशा देखते रहिए, संस्था नष्ट हो जाएगी। जब परम पूजन डॉक्टर जी ने कहा कि स्वयं सेवक ही नष्ट कर सकता है, तो मुझे इन दोनों बातों का स्मरण हुआ। मुझे एक और संभाषण इसमें इस कॉन्टेक्स्ट में याद आता है। धर्मांतरण के एक दिन पूर्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ शाम होटल में अपने थोड़े प्रमुख लोगों के साथ बैठे थे और दिल खोलकर बातें चल रही थी। तो उसमें उनके एक कार्यकर्ता ने पूछा कि बाबा हम देखते हैं अपने आंखों के सामने कि कई कार्य ऊपर आते हैं वो नीचे जाते हैं, कुछ कार्य नीचे जाते हैं ऊपर आते हैं, तो ये होता कैसे है। तो उन्होंने कहा कि बोले ऐसा है, तेरे प्रश्न का उत्तर मैं क्या दूं, 2000 साल पहले भगवान बुद्ध ने तेरे प्रश्न का उत्तर दिया है,
2000 साल पहले बोले हाँ। बोले भगवान बुद्ध ने कहा कि जहां उपेक्षा है वहां कार्य बढ़ता है, जहां उपेक्षा नहीं है वहां कार्य नीचे जाता है। तो हम जो बैठे हुए 40-45 लोग थे, सबको लगा कि बाबा साहब गलती से बोल रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते स्लिप ऑफ टंग, माने गलती से शब्द का प्रयोग हुआ। तो वो जानते ही थे, उन्होंने जानबूझकर ही कहा था। उन्होंने कहा मैं स्लिप ऑफ टंग के कारण नहीं बोल रहा हूं। यहां उपेक्षा शब्द टेक्निकल अर्थ में उपयोग में लाया है भगवान बुद्ध ने। बोले ऐसा है कि कोई भी कार्य शुरू होता है लोग उधर ध्यान ही नहीं देते, तो ऐसे अवस्था में कार्य करने वाले जब देखते हैं कोई इसकी दखल नहीं ले रहा, कुछ कार्यकर्ता छोड़ जाते हैं। फिर थोड़े कार्यकर्ता और काम चलाते हैं तो फिर काम थोड़ा सा बढ़ता है, तो बाकी लोग उसका उपहास करते हैं, रेडिक्यूल उपहास करते हैं। अब ये उपहास बर्दाश्त करने की ताकत नहीं, इसलिए कुछ लोग फिर काम छोड़कर घर बैठ जाते हैं। फिर भी थोड़े लोग जो काम करते हैं उसके कारण काम ऊपर आता है, तो फिर विरोध की अवस्था आ जाती है। अब विरोध के कारण डर कर कुछ लोग घर बैठ जाते हैं, फिर भी कुछ लोग काम चलाते हैं तो काम और बढ़ता है। होते होते एक समय आता है कि जब यश का शिखर दिखाई देता है, यश का शिखर, बोले वो महत्व का क्षण है। अभी तक लोगों ने काम किया है, त्याग किया है, किंतु जब यश का शिखर दिखने लगता है तो वो महत्व का क्षण है, क्योंकि उस समय कुछ कार्यकर्ताओं के मन में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और जब यश का शिखर दिखता है तो लोगों के मन में यह यश का शिखर यहां तक आने के लिए मैंने कितना काम किया, मेरा योगदान कितना रहा, मेरा त्याग कितना रहा, मेरा क्रेडिट इसमें कितना है, यह दिखाने की होड़ लगती है। तुमने शब्द का प्रयोग किया था क्राइसिस ऑफ क्रेडिट शेयरिंग, कि इसे यश में मेरा क्रेडिट कितना है यह दिखाने की होड़ लगती है। ऐसी जब स्पर्धा चलती है उस समय जो प्रमुख कार्यकर्ता है वो यदि इस दौड़ में नहीं जाते, वो यदि उपेक्षा करते कि क्रेडिट किसी को भी जाए कोई आपत्ति नहीं है। हम अपने देखेंगे जिन्होंने क्रेडिट के लिए दौड़ लगानी है वो दौड़ लगाए, तो प्रमुख कार्यकर्ता जब अपने ही घर में स्थिर रूप से बैठते हैं, उपेक्षा करते हैं अपने को क्रेडिट मिले या ना मिले, तो ऐसी जहां उपेक्षा होती है वहां फिर काम आगे बढ़ता है। और ये प्रमुख कार्यकर्ता भी यदि क्रेडिट के शेयरिंग में आगे बढ़ गए काम खत्म हो जाता है। इस टेक्निकल अर्थ में भगवान बुद्ध ने शब्द का प्रयोग किया, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये जो बताया गया कि कंफर्ट लिविंग कैडर्स और स्टेटस कॉन्शियस लीडर्स, ये दो बातें उनका कहना था मिश्र जी का, कि इतनी नेचुरल है इसके लिए कुछ काम नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक रूप से होती है, और ये बातें यदि आती है तो संस्थाएं खत्म हो जाती है। हमने अपने बारे में सावधानी रखने की आवश्यकता है। संघ का ध्येय पवित्र है, ईश्वरीय कार्य है, उसके सब पहलू हम अच्छी तरह से जानते हैं। कार्य पद्धति जो है उसके सफलता के बारे में हम अनुभव के आधार पर इसको स्वयं पूर्ण ऐसी कार्य पद्धति मानते हैं। दोनों पर दृढ़ श्रद्धा रखते हुए बाहर के वायुमंडल में क्या होता है, वैल्यूज ऑफ लाइफ क्या है, प्रचार क्या होता है, इसके कारण विचलित न होते हुए अपना ही ध्येय है वही विजय होगा। ट्रूथ स्टैंड्स ऑन इट्स ओन लेग्स, सत्य अपने पैरों पर खड़ा होता है, वो मेजोरिटी माइनॉरिटी के आधार पर नहीं चलता। और कार्य पद्धति जैसी कार्य पद्धति संघ की है वैसी दुनिया में और किसी ने डाली, ऐसा विरोधी लोग भी मानते हैं। तो यह जो हमारी कार्य पद्धति है इस पर दृढ़ श्रद्धा रखते हुए हम यदि लगातार जो केंद्र बिंदु हमारे कार्य पद्धति का है, दिन प्रतिदिन एकत्रीकरण, एकत्र आने के बाद सामूहिक कार्यक्रम, सामूहिक कार्यक्रमों के माध्यम से सामूहिकता का संस्कार, संगठन, पारिवारिक वायुमंडल, अपनी घट पद्धति, ये सारा जो कुछ भी दिया है इसके बराबर प्रामाणिकता से यदि हम पालन करते हैं, तो जैसा डॉक्टर जी ने कहा कि दुनिया की कोई भी शक्ति संघ को नष्ट नहीं कर सकती, हमारा स्वयं सेवकत्व कायम रहा तो संघ और संघ की विजय, इसके बीच में कोई खड़ा नहीं हो सकता।